फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पेमेंट्स। पेमेंट्स मीन्स क्या हो गया पहले समझ लेना यहाँ पर। जैसे आपको मैंने भी रिसीट्स के बारे में बताया कि व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बराबर सेम पेमेंट्स का मतलब क्या होगा, व्हेन मनी इज पेड, व्हेन मनी इज पेड टू समवन ड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड पेमेंट्स। धंधे के अंदर जैसे हम पैसे अर्न करते ऐसे सबको चुकाना भी पड़ता है, जिसको यहां पर हम बोलते हैं पेमेंट्स, बराबर। तो पेमेंट्स भी क्या होते रहते हैं, दो टाइप के पेमेंट्स होते रहते हैं। पेमेंट्स के भी यहां पर दो टाइप्स है। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स की बात करोगे तो उसमें नंबर वन आएगा रेवेन्यू, बराबर। पेमेंट समझ लेना, पेमेंट का मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ये वर्ड याद रखना। पेमेंट्स मीन्स क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, खर्चा। धंधे के अंदर आप जो खर्चा करते हो, जिसको चुकाने का बाकी है, बराबर, उसको बोलते हैं यहाँ पर पेमेंट्स। बिजनेस के अंदर जैसे हम किसी से पैसा लेने का बाकी है उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, बराबर। तो जिसको पैसा चुकाने का बाकी है दैट इज यहाँ पर क्या आएगा, पेमेंट्स हुआ। तो पेमेंट्स भी यहाँ पर दो टाइप के है, रेवेन्यू और दूसरा क्या आएगा, कैपिटल, सेम चीज। धंधे के अंदर जैसे इनकम फिक्स है तो ऐसे खर्चा भी आपके देखने जाओगे तो सो मैनी एक्सपेंस आर क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स, बराबर। फिक्स एक्सपेंस के अंदर भी देखने जाओगे समटाइम फिक्स एक्सपेंस अराइज, समटाइम वेरिएबल एक्सपेंस आर ऑल्सो अराइज। फिक्स मतलब जो रेगुलर होते रहते उसको फिक्स बोलते हैं, और वेरिएबल मतलब क्या होगा, कोई खर्चा हमको मालूम नहीं होता धंधे में कब कौन से टाइप के एक्सपेंस यहाँ पर हो सकते हैं। इसीलिए पेमेंट्स की बात करने जाओगे तो इधर वर्ड इसीलिए बताया हुआ है कि बिजनेस के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, पहले समझ लेना। ट्रांजेक्शन की बात करूं तो सपोज आज मेरी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर मैं कौन से ट्रांजेक्शन करूंगा, आपको खुद को भी मालूम है। सपोज आपके पेरेंट्स भी कोई ना कोई बिजनेस के साथ सपोज अटैच हो, तो धंधे के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, आज अपने यहाँ पर कोई भी कार्य काम करता हो तो हम उसको हर महीने क्या चुकाते, सैलरी। तो सैलरी भी अपना बिजनेस का क्या हुआ, एक प्रकार का खर्चा हुआ। सपोज हमारे पास खुद की ओन शॉप ना होवे और हम किसी की दुकान पर अपना बिजनेस चलाते हो, तो एवरी मंथ वी शुड हैव टू पे द रेंट टू द क्या लिखा है, दैट ओनर, एंड दैट यहाँ पर एक्सपेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, रेंट। तो रेंट भी अपने धंधे के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। दूसरी चीज़ लेबर, कोई वर्कर्स को, मजदूर को हम मजदूरी करवाते रहते हैं तो उसको वेजेस चुकानी पड़ती है, तो वेजेस इज ऑल्सो अवर क्या आएगा, एक्सपेंस। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, ऐसे छोटे मोटे तो बहुत सारे खर्चे है, पेट्रोल एक्सपेंस है, तो वो भी खर्चा अपना है, मतलब पेमेंट्स करना पड़े। तो धंधे के अंदर ऐसे छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे हैं, सम एक्सपेंस आर अकर्ड इन अ रेगुलर बेसिस, ध्यान रखना। खर्चे ऐसे है कि अमुक खर्चे जो बार बार होते, जिसको यहाँ पर हम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आप देख सकते हो अपने ऑफिस के अंदर आप हर महीने जो भी लाइट बिल भरते हो, बराबर, ऑफिस के अंदर, मैं घर की बात नहीं करता हूँ, घर में कोई भी लाइट बिल हो, घर के अंदर कोई भी टेलीफोन हो, वो अपना पर्सनल खर्चा है। और पर्सनल खर्चा मैंने आपको फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया था, कैपिटल एंड क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, समझ लेना। उस टाइम पर बताया था कि व्हेन ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंस, जब भी ओनर अपने धंधे में से अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए जो भी पैसा बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, उसको मैंने बताया था ड्रॉइंग्स। मैं यहाँ पर बात करता हूँ बिजनेस एक्सपेंस की, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। धंधे के अंदर भी लाइट बिल आता है, अपनी ऑफिस हो, अपनी दुकान हो, तो ऑफिस का जो भी खर्चा है, ऑफिस का जो भी रेंट है, वो सभी खर्चा जो बिजनेस एक्सपेंस के अंदर कंसिडर यहाँ पर होता रहता है। स्टेशनरी, आज ऑफिस के अंदर छोटे मोटे कागज, पेन पेंसिल या तो फाइलिंग, वो सब चीज़ें रखनी पड़ती है, तो वो ऑफिस एक्सपेंस के अंदर कंसिडर होता रहता है। तो ऑफिस एक्सपेंस वो भी हमारे लिए देखने जाओगे तो एवरी मंथ एवरी ईयर होता रहता है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि धंधे के अंदर हर चीज फिक्स नहीं होती है. सम एक्सपेंस आर अकर्ड इन अ रेवेन्यू इन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और अमुक खर्चे ऐसे है कि जो खर्चे बार बार होते नहीं है, ये भी ध्यान रखना. रेवेन्यू एक्सपेंस आपको कभी बार बार मिल सकता नहीं है. एक बार आप एग्जाम्पल भी देख लो कि धंधे के अंदर सपोज आपने हर महीने लाइट बिल भरते हो, तो लाइट बिल कभी आपको वापस मिल सकता नहीं है, ये भी ध्यान रखना बराबर. क्योंकि उसका बेनिफिट्स, खर्चा ऐसा है कि उसका उस वो हम ड्यूरिंग द वन ईयर, मतलब क्या होगा अपना जो मेन साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 क्या होता रहता है, मार्च. तो कोई भी खर्चा हम ड्यूरिंग द वन ईयर पीरियड के अंदर ही ले सकते हैं बराबर. पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा कि बिजनेस के अंदर क्या आएगा, समटाइम मैनी एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेस के अंदर होते रहते, इट कैन बी अकर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, टाइम बराबर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेगुलरली होते रहते हैं. जैसे कि मैं किसी को सैलरी चुका हूँ, सैलरी पेड, फिर उसके बाद रेंट पेड बराबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी खर्चे क्या है, रेगुलर है, इसीलिए उसको रेवेन्यू बोलते हैं. पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा कि जो खर्चा लॉन्ग टर्म होता रहता है. लॉन्ग टर्म मतलब क्या होगा कि खर्चा आज करते बट बेनिफिट विल बी टेकन इन, क्या लिखा है, फ्यूचर्स. खर्चा आज कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिल रहा है, दैट इज उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल बता दूं इसके लिए भी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर देखने जाओगे तो अपनी फैक्ट्री के अंदर कंप्यूटर ला रहे हो, आपका धंधा कपड़े का है बराबर. सो फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कपड़े के धंधे के अंदर सपोज आपको बिल बनाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, जेरोक्स मशीन जिसको बोल रहा हूँ यहाँ पर, सपोज ये 2-3 चीज़ आप ला रहे हो बराबर. सपोज आपको ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप एयर कंडीशनर ला रहे हो बराबर. तो खर्चा क्या कर, आप खर्चा कर रहे हो कंप्यूटर लाए, तो कंप्यूटर का खर्चा आपने 25,000 रुपये या 30,000 रुपये का खर्चा करा, पर उसका बेनिफिट्स आपको कब मिल रहा है, लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जो खर्चा आपको मोर देन वन ईयर के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, उसका बेनिफिट्स मिल रहा है, वो खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं. तो मेन ये पॉइंट ध्यान रखना फ्रेंड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है. क्योंकि स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ लेता है, स्टूडेंट्स को मालूम है मैं खर्चा कर रहा हूँ बराबर, पर खर्चा करने के बाद उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए. सपोज कोई वीडियो शूटिंग वाला है बराबर, तो वो कैमरा लेकर आता है SLR जिसकी कीमत सपोज 1,00,000 रुपये है बराबर. तो 1,00,000 रुपये का कैमरा लेकर आ रहा है, आप सोचोगे कि उसने खर्चा कर दिया, पर खर्चा कौन सा है वो पहले बायफर्केट करो कि इट विल बी अ रेगुलर एक्सपेंडिचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि आप सोचना चाहिए कि वो लेकर किसके लिए आया है, वो बिजनेस पर्पस के लिए. वो कैमरा 1,00,000 रुपये का खर्चा कर रहा है, पर वो 1,00,000 रुपये का कैमरे से वो अपना धंधा डेवलप कर रहा है, अपना बिजनेस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. और वही कैमरे से वो हर मंथ कुछ पैसा कमाएगा, और इट विल बी अर्निंग फॉर मोर देन वन ईयर. वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक वो पैसा कमाएगा वही कैमरे से. इसीलिए उसने जो प्रेजेंट में जो 1,00,000 रुपये कैमरे के पीछे खर्चा करा हुआ है, उसका बेनिफिट्स उसको लॉन्ग टर्म मिल रहा है. सो इट इज कंसिडर एज अ क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्योंकि बेसिक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान में रखने की है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता रहता है, वो है प्रॉफिट बराबर. ये ध्यान रखना, खास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस. ये दोनों पॉइंट है बराबर. जैसे आपको मैंने बताया अभी प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस, ये भी मैं आपको बायफर्केट करके बता रहा हूं. रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस. एग्जांपल ले रहा हूं बिजनेस के अंदर. आई होप आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में तो समझ पड़ गई होगी
कि रेवेन्यू किसको बोलते हैं और कैपिटल किसको बोलते हैं। जो चीज रेगुलर बेसिस पर होती है उसको रेवेन्यू, जो लॉन्ग टर्म होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, बराबर। अब मैं उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता रहा हूँ, तो जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 10,000। मैं मोहन से 10,000 रुपीज का गुड्स क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ। एंड इमीडिएटली सच गुड्स आर सोल्ड टू राणा ऑफ रुपीज 20,000। फ्रेंड्स आप चेक कर रहे हो यहाँ पर, देख लेना कि मैं मोहन से 10,000 रुपये का गुड्स परचेस कर रहा हूँ। एंड सच गुड्स जो भी है आर सोल्ड टू इमीडिएटली टू राणा, बराबर 20,000 में बेच रहा हूँ। तो आप चेक करो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 10,000। मैं धंधा कर रहा हूँ यहाँ पर, बिजनेस कर रहा हूँ, 10,000 रुपये का गुड्स परचेस कर रहा हूँ और वही गुड्स मैं 20,000 में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो उसका मतलब डिफरेंस आप चेक कर सकते हो कि 10,000 का गुड्स 20,000 में बेचूँ तो जो 10,000 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैंने अभी बताया आपको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन आप जो भी कर रहे हो, बराबर, और उसमें से जो भी इनकम कमाते रहते हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। इधर आप देख सकते हो 10,000 का माल सामान 20,000 में बेच रहा हूँ तो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई, जिसको सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, 10,000 रुपये का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, बराबर। वापस एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज करता हूँ, व्हेन गुड्स आर परचेस फ्रॉम मोहन, 10,000 में गुड्स खरीदा और वही गुड्स मैं राणा को बेच रहा हूँ सपोज यहाँ पर 8,000 में, बराबर। देखो तो 10,000 का गुड्स 8,000 में बेचूँ तो उसका मतलब मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उसको यहाँ पर बोलते रेवेन्यू लॉस कितने रुपए का हुआ, यहाँ पर 2,000 का। तो ये डिफरेंस देख लो, रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस का मतलब 10,000 का गुड्स 20 में बेचूँ तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का गुड्स 8,000 में बेच रूँ तो यहाँ पर 2,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसीलिए धंधे में कोई भी परचेस और सेल्स ट्रांजेक्शन करता हूँ एंड वॉट एवर प्रॉफिट इज विल इज टेकन, सो सच प्रॉफिट इज कॉल क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू लॉस। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो उसके अंदर ही है वो है कैपिटल प्रॉफिट एंड क्या आएगा, कैपिटल लॉस। तो इसके अंदर भी आपको बता दूँ, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया और आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताई कैपिटल का मतलब क्या, कि धंधे के अंदर जो चीज़ रेगुलर होती नहीं है, इट विल बी अकर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ क्या लिखा है, टाइम, जो लंबे समय के लिए होता है वो चीज़ कैपिटल के अंदर कंसिडर यहाँ पर होता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल वहाँ पर भी बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह देखना। सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 8,000 टू रुपीज 9,000। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 8,000 टू रुपीज 9,000। तो फर्नीचर हमारे धंधे के लिए क्या हुई, नॉन करंट असेट्स, जिसको हम फिक्स असेट्स या तो टेंजिबल असेट्स बोल सकते हैं। और टेंजिबल असेट्स भी फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया था कि द असेट्स विच वी कैन सी विच वी कैन टच दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। फर्नीचर अपने धंधे के लिए असेट्स है। तो याद रखना कैपिटल का मतलब क्या, कि जो असेट्स मैंने बताया था, व्हेन एनी असेट्स सोल्ड, बराबर, कोई भी असेट्स हम धंधे के अंदर क्या करते, बेचते हैं और बेचने के बाद धंधे में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता रहता है उसको कैपिटल प्रॉफिट या तो क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। बट धंधे के अंदर जो गुड्स बेच रहे और गुड्स बेचने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। यहाँ पर देखो फर्नीचर है और फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। और इधर देख सकते हो 8,000 का फर्नीचर मैं 9,000 में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसका मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सच प्रॉफिट इस कॉल क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, बराबर। सेम लाइक वही चीज़ें बिजनेस के अंदर, मेरे पास कोई मशीन है, बराबर, सेल ऑफ मशीन। धंधे के अंदर क्या है, मशीन भी ऐसी चीज़ है कि मशीन की वैल्यू भी एवरी ईयर सेम रहती नहीं है। आपको मालूम होगा यहाँ पर कि सपोज आप बिजनेस के अंदर कोई भी व्हीकल लेकर आए,
धंधे के अंदर सपोज एक्टिवा की ज़रूरत है और एक्टिवा सपोज 2020 में लेकर आ रहे हो और वो एक्टिवा की कीमत अप्रोक्सीमेटली 65,000 है, 2025 के अंदर वो एक्टिवा की वैल्यू डेफिनेटली क्या होने वाली, कम, कभी बढ़ती नहीं है, क्योंकि एक्टिवा मतलब व्हीकल हुआ और व्हीकल हमारे लिए फिक्स असेट्स हुआ, बट उसकी वैल्यू एवरी ईयर क्या होती रहती, कम। कभी कोई भी फिक्स असेट्स की वैल्यू देखने जाओगे एज पर द बुक्स के मुताबिक कम होती रहती है, कभी बढ़ती यहाँ पर नहीं है। तो ये मेन याद रखना कि सेल ऑफ मशीन, मशीन बेच रहा हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू, यहाँ पर ध्यान रखना, उसकी वैल्यू कॉस्टिंग 1,00,000 थी, बराबर, सेल ऑफ मशीन रुपीज़ 1,00,000 बराबर 2,80,000। मतलब क्या कि 1,00,000 रुपये का जो कॉस्टिंग वाला मशीन था वो मशीन में 80,000 में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसका मतलब 20,000 रुपीज़ का मेरे को लॉस हुआ, एंड सच लॉस दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इनकम रेगुलर होती रहती है, जो प्रॉफिट रेगुलर होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, जो प्रॉफिट और जो यहाँ पर इनकम रेगुलर या तो फिक्स होती नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती रहती है, उसको यहाँ पर कैपिटल बोलते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी बता दी, मेन इंपॉर्टेंस रिसीट्स, उसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल, फिर बाद में बता दिया पेमेंट्स, पेमेंट्स के अंदर भी बता दिया रेवेन्यू और क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लास्ट में बता दिया उसके बाद दोनों का डिफरेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस, और उसमें आया रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या आएगा लॉस, और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट या तो कैपिटल लॉस विथ एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं जिसका नाम है यहां पर डेटर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने जाओगे तो डेटर्स है। डेटर्स का मतलब यहां पर क्या होगा, सबसे पहली चीज, डेटर्स मींस कस्टमर। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, जब भी आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, ये ध्यान रखना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, सो दोस कस्टमर्स इज कॉल्ड डेटर, बराबर, दोस कस्टमर्स आर कॉल्ड क्या आएगा, डेटर्स। फ्रेंड्स अभी भी ध्यान रखना, हियर बी वर्ड इज साइलेंट है, साइलेंट, डेप्टर बोलना नहीं है, ओनली डेटर्स, डेटर्स का मतलब कस्टमर, बराबर, फिर से बोल रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रखना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो दोस कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स। धंधे के अंदर आज जिसको भी हम उधार माल बेच रहे हैं वो सामने वाला पर्सन वो मेरे लिए क्या हुआ, कस्टमर, जिसको अकाउंटिंग की भाषा में यहाँ पर बोलते डेटर्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, उधार जब भी क्रेडिट रिलेशन की बात आवे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि उधार हम सबको दे सकते नहीं है। बिजनेस के अंदर नॉर्मली क्या होगा, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, एक कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा नंबर पर कौन सा आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश मतलब क्या आएगा, इमीडिएटली पेमेंट, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर डेट, बराबर, मे बी आफ्टर 2 days, 5 days, 10 days, आफ्टर 1 month, 2 month, इसीलिए वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन की बात आई है, इसलिए कस्टमर के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए तो आज हम किसी को उधार पर माल सामान दे सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी उधार पर माल सामान दे सकते नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना, डेटर्स मतलब क्या यहाँ पर,
तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, क्या लिखा है, कस्टमर इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स, यहां पर बोलते हैं। बराबर फ्रेंड्स, मैं इसके साथ दूसरे दो पॉइंट्स भी ले लेता हूं, मतलब मालूम पड़ जावे। डेटर्स के साथ दूसरा एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और तीसरा पॉइंट वो भी आपको ध्यान में रखने का है जिसका नाम यहां पर है रिसीवेबल्स। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं यहां पर फिर से बता रहा हूं। डेटर्स तो आपको मालूम पड़ गया कि डेटर्स तो एक लिविंग पर्सन है, मैं किसी को भी गुड्स उधार पर बेच रहा हूं, तो सामने वाला जो कस्टमर है वो मेरे लिए क्या हुआ, डेटर्स यहां पर हुआ। बरोबर। दूसरी चीज बिल्स रिसीवेबल, ये भी नाम पहली बार आपको यहां पर सुना होगा। बिल, बिल तो पता है आपको, पर बिल्स रिसीवेबल का मतलब मालूम नहीं होगा। बिल मीन्स क्या होगा कि आज क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा कि आज मैं किसी को भी गुड्स उधार पर बेच रहा हूँ। बराबर। सपोज आज 29 डेट है, मैंने आज कोई पार्टी को, कोई कस्टमर को उधार पर माल बेचा, मैं बिल बनाऊंगा दो चार दिन के बाद। सपोज मैं 1 जुलाई को बिल बना रहा हूँ और उसको बिल क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। समझ लेना, बिल आज मैंने गुड्स भेज दिया, दो चार दिन के बाद मैं उसको बिल बनाकर भेज रहा हूँ, या तो मैं बाय कुरियर भेजूंगा या तो अपने नौकर को बोलूंगा जा भाई वो सामने वाली पार्टी को बिल देकर आ। बराबर। तो सामने वाली पार्टी को मेरा मुनीम या तो मेरा नौकर बिल देने जाता है, सामने वाली पार्टी जो मेरा कस्टमर था वो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। पॉइंट ध्यान रखना, इफ ऑपोजिट पार्टी या तो इफ अदर पार्टी एक्सेप्ट अवर बिल, पॉइंट ध्यान रखना, इफ अदर पार्टी एक्सेप्ट अवर बिल, एक्सेप्ट अवर बिल, सो इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म में आप बी आर भी लिख सकते हो, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। फिर से ध्यान रखना, इफ अदर पार्टी एक्सेप्ट अवर बिल, क्या हो गया यहां पर, मैं गुड्स बेच रहा हूं, सामने वाली पार्टी हमारा बिल क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो इंसान गुड्स बेच रहा है वो बिल बनाएगा, जो माल बेचेगा वो बिल इश्यू करेगा। बराबर। तो बिल इश्यू कौन करता है, हम, और बिल एक्सेप्ट कौन करता है, अदर पार्टी, मतलब सामने वाली पार्टी। तो जब भी सामने वाली पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना जो इसके साथ कनेक्टेड था, मैंने उधार पर माल बेचा और माल बेचने के बाद जो भी बिल सामने वाले पर्सन को इश्यू करा होगा वो पर्सन ने बिल को एक्सेप्ट करा, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता रहता है जो उसी के अंदर है, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या, व्हेन मनी इज रिसीव्ड। बराबर। ये वन पॉइंट याद रखना। बराबर। व्हेन पैसा, यहां पर सबसे मेन चीज रिसीवेबल का मतलब क्या होगा कि धंधे के अंदर, यहां पर देखो, गुड्स उधार पर बेचा सामने वाले कौन, कस्टमर को, वो कस्टमर मेरे लिए डेटर्स हुआ, बिल मैंने इश्यू करा दो चार दिन के बाद। बराबर। तो वो बिल सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बराबर। और रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, व्हेन मनी इज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग। समझ लेना, यहां पर रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, वॉट एवर मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द डेटर्स। बराबर। इधर पॉइंट लिखता हूं, ध्यान रखना, वॉट एवर मनी हैज बीन रिसीव्ड थ्रू द डेटर्स against issued bill is called receivable।
तीनों प्रॉपर अच्छी तरह ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो पर्सन है वो मेरा कस्टमर बट अपडेटर हुआ, हम उसको बिल देते, बिल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, फिर से ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल का मतलब बिल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट विल बी रबर यूजफुल फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल पर्पस। फ्यूचर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स या तो कोई भी एरर हो सकती है, इसीलिए हमेशा मार्केट में कभी भी कोई भी टाइम पर कोई भी गुड्स खरीदने जाओ तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल सामने वाली पार्टी से क्या करो, लो। बिल लेने से क्या होगा कि आपको, आप सबसे पहली चीज़ सेफ हो जाओगे, कभी प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो बिल, वो प्रोडक्ट में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर या तो डिफेक्ट्स आई तो आपके पास प्रॉपर बिल होगा, तो यू कैन, क्या लिखा है, सो सच बिल, आप बिल सो कर सकते हो और सामने वाली पार्टी को क्या कर सकते हो, बता भी सकते हो कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीदी थी, इतना टाइम पीरियड हुआ था, वारंटी हो तो वारंटी या तो वारंटी गारंटी हो तो गारंटी, कोई भी हो वो पीरियड के अंदर वो आपका प्रॉपर रिपेयरिंग या तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। इसीलिए धंधे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिल, और बिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए एक रिटर्न प्रूफ है, तो ये ध्यान में रखने का है। मैंने पार्टी को बिल इश्यू कर दिया और वो बिल में सपोज 1,00,000 रुपये है, तो यहाँ पर देखो वॉट एवर मनी हैज़ बीन रिसीव्ड थ्रू द डेटर्स, वो कस्टमर से जो भी पैसा, 1,00,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपये यहाँ पर जो बिल इश्यू करने के सामने मिला, दैट इज उसको बोलते रिसीवेबल। रिसीवेबल ध्यान रखना, इट इज अवर करंट असेट्स, ये डेटर्स हमारी क्या है, इट इज अवर क्या होती रहती है, करंट असेट्स। ये सारे पॉइंट याद रखना, डेटर्स भी हमारी करंट असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी हमारी क्या है, करंट असेट्स है, बराबर। क्योंकि आपको मैंने पूरा असेट्स के अंदर बताया था करंट असेट्स का मतलब क्या, तो करंट असेट्स इज इजीली कन्वर्टेड इनटू क्या होता रहता है, कैश, इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू क्या आएगा, कैश। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको तीनों टर्मिनोलॉजी बता दी, पहली थी डेटर्स, दूसरी बताई आपको बिल्स रिसीवेबल, और तीसरी बताई आपको रिसीवेबल। उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जा रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पर है क्रेडिटर्स, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिटर्स। जैसे आपको मैंने डेटर्स बताया वैसे यहाँ पर क्रेडिटर्स भी है, उसके नीचे बता रहा हूँ बिल्स पेएबल, और उसके बाद बता रहा हूँ आपको पेएबल्स, बराबर। फिर से ध्यान रख लेना, डेटर्स हमारे लिए करंट असेट्स है बट क्रेडिटर्स हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, बराबर। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज क्रेडिटर, बराबर। क्रेडिटर का मतलब ध्यान रखना, तो इधर देखो मैंने लिखा व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बराबर। यहां पर क्या होता है, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड, ऑन क्रेडिट, जब भी आप उधार पर गुड्स खरीद रहे हो, बराबर। द पर्सन हु सोल्ड गुड्स टू अस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। The person whom I purchase, जिस किसी भी इंसान से मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना, आज मैं किसी से गुड्स खरीद रहा हूँ तो समझ लो कि वो इंसान मेरे लिए क्रेडिटर्स हुआ, और उसके लिए मैं क्या हुआ, डेटर्स मतलब कस्टमर हुआ, और मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ तो वो पर्सन मेरा कस्टमर हुआ और उसके लिए मैं क्या हुआ यहाँ पर, क्रेडिटर्स। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लेना कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब क्या, डेटर्स का मतलब ग्राहक कस्टमर बोलते हैं, क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर भी बोलते हैं, व्यापारी ट्रेडर्स, उसके नाम भी याद रखना,
बराबर, द अनदर नेम ऑफ क्रेडिटर इज ट्रेडर्स, या तो उसको सप्लायर भी बोल सकते हैं, क्या आएगा सप्लायर्स। ये पॉइंट याद रखना, डेटर्स इज अवर करंट असेट्स, क्रेडिटर्स इज अवर क्या आएगा करंट लायबिलिटी, डेटर इज अवर करंट असेट्स, क्रेडिटर इज अवर करंट लायबिलिटी, ये पॉइंट ध्यान रखना बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी शॉर्ट करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म होती है, मतलब विद इन वन ईयर। डेटर भी हमेशा देखने जाओगे तो वन ईयर के लिए ही होते रहते, मतलब वो हमारी करंट असेट्स है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जो असेट्स बराबर काउंटिंग शॉर्ट टर्म मतलब वन ईयर के लिए होती रहती है उसको करंट यहाँ पर बोल सकते हैं, चाहे वो करंट असेट्स हो या तो करंट लायबिलिटी। क्रेडिट इसका मतलब जिस किसी को पैसा चुकाने का बाकी है बराबर, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी हुई। डेटर का मतलब जिस किसी से भी पैसा लेने का बाकी है वो पर्सन हमारे लिए डेटर्स हुआ, इसीलिए वो करंट असेट्स है और ये करंट क्या है लायबिलिटीज है। उसके बाद उसी के अंदर ही दूसरा रिलेटेड पॉइंट्स है बिल्स पेएबल, मैंने आपको अभी बताया बिल्स रिसीवेबल। इफ अदर पार्टी एक्सेप्ट अवर बिल, आज मैंने बिल किसी को इश्यू करा बराबर, मैं किसी को बिल इश्यू करता हूँ, सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है, तो उसका मतलब वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ। पर कभी कभी हम भी किसी का बिल एक्सेप्ट करते हैं बराबर, इफ बिल इज एक्सेप्टेड बाय अस एंड इश्यूड फ्रॉम अदर पार्टी, इश्यू फ्रॉम अदर पार्टी इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड क्या आएगा बिल्स पेएबल। ध्यान रखना मैंने अभी आपको बता दिया बिल्स रिसीवेबल के अंदर कि हम किसी को बिल इश्यू करें और सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उतना पैसा लेने का बाकी है बराबर। और बिल्स पेएबल का मतलब क्या कि सामने वाली पार्टी ने हमको गुड्स बेचा हो उधार पर और हमको पेमेंट चुकाने का बाकी है, तो उसका मतलब क्या होगा कि सामने वाली पार्टी हमको बिल क्या करेगी इश्यू करेगी और हम वो बिल को क्या करते एक्सेप्ट करते। अगर हम बिल को एक्सेप्ट करते दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल, इसका मतलब हमको उतना पैसा चुकाने का बाकी है और जो पैसा हमको चुकाने का बाकी हो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल, वो बिल अमाउंट। और पेएबल उसके बाद उसी के साथ रिलेटेड सिक्स लास्ट पॉइंट जो है बराबर, ये तीन पॉइंट जो बताए डेटर बिल्स रिसीवेबल एंड रिसीवेबल, सेम लाइक क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल और थर्ड नंबर पर कौन सा आता है पेएबल्स। तो इसके अंदर भी ध्यान रखना जैसे इधर बताया कि वॉट एवर मनी हैज बीन रिसीव्ड थ्रू द डेटर्स, तो यहाँ पर भी वही जे वॉट एवर मनी हैज बीन मनी हैज़ बीन पेड बाय अस टू द क्रेडिटर सो इट इज़ कॉल्ड क्या बोलते हैं यहाँ पर पेएबल्स। धंधे के अंदर जो भी पैसा हमको क्रेडिटर्स को चुकाने का बाकी है उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं पेएबल्स। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको बता दी पेएबल। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा एक पॉइंट आपको यहाँ पर ले रहा हूँ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम यहाँ पर है परचेज एंड क्या आएगा सेल, ये भी ध्यान रखना परचेज एंड क्या आएगा सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है परचेज एंड क्या आएगा सेल। समझा देता हूँ परचेस का मतलब क्या, सिंपल है बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आज कोई भी चीज़ का हम गुड्स खरीद रहे हैं बराबर। गुड्स यहाँ पर मार्केट में हम दो तरह से यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, आइदर ऑन कैश बेसिस और आइदर ऑन क्या आएगा क्रेडिट बेसिस बराबर।
तो वो चीज़ को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। सेल मतलब जो गुड्स हमने धंधे में खरीदा हो वो गुड्स हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद बेच देते, या तो कभी कभी ऑन द स्पॉट भी क्या करते हैं, बेच देते। तो उसको यहाँ पर भाषा में बोलते सेल। परचेस कौन सा, बिजनेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इसीलिए परचेस जो भी होगा वो कौन सी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज है। तो परचेस यहाँ पर गुड्स सर्च करना है और वही गुड्स हमको मार्केट में क्या करना है, बेचना है। इसीलिए परचेस एंड सेल बोथ आर अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये पॉइंट याद रखना। दोनों चीज कौन सी एक्टिविटीज है, ट्रेडिंग एक्टिविटी, बराबर। दोनों एक्टिविटी व्यापार के साथ जुड़ी हुई है, बराबर। इट इज टोटली कनेक्टेड विथ द बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। दिस परचेज एंड सेल करने के बाद धंधे में क्या होगा, प्रॉफिट या तो क्या होगा, लॉस। बिजनेस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस, इट इज अ पार्ट ऑफ द, क्या लिखा है, बिजनेस। नो बडी नोज व्हाट हैपन इन द बिजनेस, धंधे के अंदर कब क्या होगा वो किसको कुछ भी मालूम यहाँ पर हो सकता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी कभी कभी हो सकता है, धंधे के अंदर कभी कभी लॉस भी होने के चांसेस यहाँ पर है। तो मेन वर्ड याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर द पार्ट ऑफ द, क्या लिखा है, बिजनेस के पार्टज है। बराबर, आज आपको खुद को मालूम है कि प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, बराबर। प्रॉफिट को यहाँ पर देखने जाओगे तो दूसरी भाषा में गेन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, गेन, बराबर। कौन सी बात है, परचेस, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो आपको मालूम है कि जब भी कोई भी गुड्स यहाँ पर 10 रुपये में खरीद रहा हूँ और उसको 15 रुपये में बेचूँ तो मेरे को धंधे के अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस, ये भी आप आगे इकोनॉमिक्स या तो बीए पढ़ोगे तो बीए के अंदर यहाँ पर आपको आएगा एक पॉइंट कि प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। धंधे के अंदर प्रॉफिट होगा तो आज बिजनेस पॉसिबल है, बराबर। इफ नो प्रॉफिट नो बिजनेस, बराबर, ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इज द, यहाँ पर देखने जाओगे तो लाइफलाइन है, बराबर, धंधे की लाइफलाइन है। क्योंकि धंधे के अंदर जो प्रॉफिट नहीं होगा तो वी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, टाइम। हम धंधे को लंबे समय के लिए यहाँ पर एक्सपांड कर सकते नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ध्यान रखना, वो है प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर जो समझना है वो है लॉस। लॉस भी आपको पता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स आज 10 रुपीस में हम क्या करते हैं, खरीद रहे, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, बराबर। और वही गुड्स हम सपोज 7 रुपीस में क्या करते, सोल्ड करते, तो बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीस का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये चीज दोनों धंधे के अंदर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या, रिस्क है ना। जितना धंधे में रिस्क होगा वो रिस्क के मुताबिक अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, बराबर। इट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन, आप किस प्रकार का धंधे में व्यवहार कर रहे हो उस प्रकार धंधे के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होने की चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह ये पॉइंट ध्यान में रखना कि प्रॉफिट और लॉस कैसे और किस तरह से यहाँ पर हो सकता है, बराबर। तो आज मैंने आपको टर्मिनोलॉजी जो बताई वो अच्छी तरह एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान रख लेना। पहला नंबर का टॉपिक आपको बता दिया स्टार्टिंग में, वो रिसीट्स बताया, उसके अंदर बताया रेवेन्यू रिसीट्स और बताया कैपिटल रिसीट्स, ओके। फिर मैंने पेमेंट्स की बात करी, उसके अंदर भी आपको 2 टॉपिक बताए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर 3rd टॉपिक आपको बताया रेवेन्यू प्रॉफिट या तो रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट या तो क्या आएगा, कैपिटल लॉस, ओके। उसके बाद आपको टॉपिक बताया डेटर्स, डेटर्स के साथ कनेक्टेड दूसरे 2 टॉपिक है कौन से, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स, क्या बताया, एंड रिसीवेबल, बराबर। फिर उसके बाद आपको बताया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ भी दूसरे 2 पॉइंट कनेक्टेड है, वो है बिल्स पेएबल और क्या आएगा, पेएबल्स, ओके। एंड देन आफ्टर वी कैन गो थ्रू परचेस एंड क्या था, सेल्स। ये भी धंधे के एक ट्रांजेक्शन से परचेस एंड क्या लिखा है, सेल। और लास्ट टॉपिक परचेस एंड सेल्स के ऊपर से हमने जाना कौन सा,
प्रॉफिट एंड क्या आएगा लॉस, ये दोनों चीज अपने बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रॉफिट एंड क्या आएगा यहाँ पर लॉस, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर क्या लिखा है बिजनेस। तो फ्रेंड्स ये सारे टर्मिनोलॉजी जो आपको मैंने इधर आज बताए वो अच्छी तरह ध्यान रखना और सारे टर्मिनोलॉजी को एक बार लिखना तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करते। ओके फ्रेंड्स।